अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा परमिशन लेटर रिजेक्ट होने के बाद तीसरा लेटर हाई कोर्ट में जो है रिट फाइल किए थे। क़ानून की रोशनी में जो है हाई कोर्ट हमको इजाज़त दिया सिर्फ 100 आदमी से मीटिंग कंडक्ट करो बोल के खिलवत ग्राउंड पे। और ये जो प्रोटेस्ट करना है, जो हमारा पीसफुल असेंबली है, ये हमारा क़ानूनी राइट है, हक़ है, फंडामेंटल राइट है। इसको जो है हाई कोर्ट मद्देनज़र रखते हुए हमको दिया है परमिशन, और सिर्फ कोविड होने की वजह से 100 लोगों तक हमको रेस्ट्रिक्ट किए हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि हमको दूसरे और कंडीशंस भी दिए हैं। ऑर्डर कॉपी अभी हमको मिली नहीं, थोड़ी देर पहले ही ऑर्डर आया है। कॉपी मिलने के बाद इंशाल्लाह ताला दूसरे और जो कंडीशंस हैं वो भी बताएंगे आप लोगों को। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो मुस्लिम शब्बान तहरीक मुस्लिम शब्बान की जो कोशिशें हैं यूनिटी रैली निकालने की, इसमें आप लोगों से शिरकत की गुजारिश करता हूं मैं आप लोगों से। रैली की डेट 25 सितंबर 2021 2 बजे से दोपहर के 4 बजे तक का वक्त है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से जो यूनिटी रैली के मुनक्किद करने का जो ज़िम्मा जनाब मुश्ताक मलिक साहब ने उठाया था, उसको जो है यहाँ के पुलिस महकमे ने बार बार उसको जो है रिजेक्ट करने का काम किया। और इसके बाद जो मेरे आला जनाब मिर्ज़ा निसार अहमद बेग निज़ामी साहब, जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी थे, वो जाने जाते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, तो हम उनके पास रुजू हुए और आपने आज एक तवील बहस के बाद एक परमिशन लिया है पब्लिक मीटिंग का खिलवत ग्राउंड पे 25 सितंबर 2021 2 बजे से 4 बजे तक। और हमारे उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा साहब ने पूछा कि भाई आप हमको रैली का भी परमिशन दीजिए, क्योंकि रैली का परमिशन ये हमारा जमहूरी हक़ है, हमारा जो है फंडामेंटल राइट है। तो जज साहब ने कहा कि अभी तो कोविड के नॉर्म्स चल रहे हैं, उसके मद्देनज़र हम आपको जो है फिर बाद में आपको हम जो है 1000 लोगों की जो है रैली का परमिशन देंगे, लेकिन अब फिलवक्त ऐसे हालात नहीं हैं। ये कहते हुए जज साहब ने पब्लिक मीटिंग का जो है हमको ऑर्डर दिया है, और पब्लिक मीटिंग की इजाज़त दी है वो जो है खिलवत या फिर दारुशिफा ग्राउंड की बात कही गई है शायद। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जो है अपना दिल छोटा ना करें और इस रैली को, इस मीटिंग को कामयाब बनाएं और जो है हमारे मुत्तहिद होने का सबूत दें। अब उसकी वजह तो हम बता नहीं सकते, ये कुछ वजूहात हैं। अब यहाँ के कुछ सियासतदान हैं, अब खैर मैं सिर्फ मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं सिर्फ कानून की बात करना चाहूँगा। आप जो भी हैं, आप मुश्ताक मलिक साहब से इसके बारे में राय ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि सभी भाइयों को मालूम है कि हम लोग मुसलसल 8 तारीख से जिद्दोजहद कर रहे हैं इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए। हम लोग मुसलसल कोशिश जारी कर रहे हैं, मगर हम लोग की कोशिश ये तेलंगाना गवर्नमेंट और थोड़े से लीडर्स है और पुलिस हम लोग को रोक से जा रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की 3 रिजेक्शन के बाद आज कोर्ट में हम लोग हाई कोर्ट में जो है सो फिर रिट पिटीशन आफ्टर लंच डाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पास हो गई। मगर ये रैली के लिए पास नहीं हुई, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पब्लिक मीटिंग के लिए हुई। मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ, ये रैली कैंसिल हुई इसमें मत मायूस होइए, अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करने के लिए 25 तारीख 2 बजे खिलवत ग्राउंड पे आइए और इत्तेहाद को बरकरार रखने का नमूना पेश करिए। और मैं अपनी बात ख़त्म करते वक्त एक शेर बोलता हूँ, अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख। अस्सलाम वालेकुम।
लाखों हजारों की पसंद अनवर पान शॉप हुसैन आलम कोका बाजार का सबसे कदीम और सबसे पुराना पान शॉप। हर वैरायटी, हर क्वालिटी, हर फ्लेवर का पान हमारे यहाँ दस्तियाब है। हमें छोटे बड़े फंक्शन के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मरहूम मोहम्मद गौस साहब के फर्जन प्रोप्राइटर अनवर पान शॉप मोहम्मद इब्राहिम साहब और मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ा आप तमाम ग्राहक का वेलकम करते हैं। हमसे रब्त पैदा कीजिएगा 8074933 9 8555 04 11 20। हुसैन आलम कोका बाजार का सबसे कदीम सबसे पुराना पान शॉप अनवर पान शॉप।